Shaw. गांव किसान के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गांव किसान के इस नए अंक में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमेशा की तरह हमारे इस अंक में भी हम आपके लिए हमारे तीनों सेगमेंट्स लेकर आए हैं, खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। अब तीनों सेगमेंट्स के जरिए क्या जानकारियां हम आप तक पहुंचाने वाले हैं, आइए इसके लिए शुरुआत करते हैं आज के इस अंक की। आइए शुरुआत करते हैं खेती किसानी सेगमेंट से, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं रबी के इस मौसम में कौन कौन सी वो सब्जियां हैं जिनका आप चुनाव कर सकते हैं खेती किसानी के लिए, किस तरह के प्रबंधन कार्य आपको करने हैं जिससे आगे चलकर आप इसकी अच्छी उपज हासिल कर सके। आइए इन तमाम जानकारियों के लिए नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। अक्टूबर माह रबी सब्जियों की बुआई के लिए बेहद खास माह है। इस समय की गई सब्जी फसलों की बुआई से सर्दियों में भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है। किसान स्थान विशेष की जलवायु के हिसाब से बीजों का चुनाव करें, अच्छा उत्पादन मिले इसके लिए उन्नत बीजों का चयन होता है। इसके लिए जरूरी है कि बीज प्रमाणित संस्थानों से ही खरीदें। इस समय किसान प्याज, लहसुन, बैंगन, टमाटर, आलू और पत्तेदार सब्जियों की बुआई का काम कर सकते हैं। प्याज की बुआई करते समय किसान इस बात को तय कर लें कि वो प्याज की हरी सब्जी के रूप में फसल चाहते हैं या भंडारण के लिए। यदि प्याज की हरी फसल चाहते हैं तो अगेती बुआई करें, लेकिन प्याज के भंडारण के लिए खेती कर रहे हैं तो अभी से प्याज की नर्सरी तैयार करें। फसलों का बेहतर उत्पादन लेने के लिए उन्नत किस्मों का चयन करें, साथ ही रोगों और कीटों से बचाव के लिए बुआई से पहले बीज उपचार जरूर करें। इस तरह छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर किसान फसलों से बेहतर पैदावार ले सकते हैं। पौधे अच्छी बढ़वार लें इसके लिए रोपाई उचित दूरी पर करें। किसान जैविक खाद का इस्तेमाल करके फसल की गुणवत्ता और दाम में भी इजाफा कर सकते हैं। वहीं फसल में रोगों और कीटों का प्रकोप होने पर कृषि विशेषज्ञ की सलाह पर ही दवा का छिड़काव करें। ये बहुत ही उपयुक्त समय है कि हम अपने जो भी रबी सीजन की सब्जियों की खेती करना चाहते हैं उसके बारे में सोचना शुरू कर दें। उसमें सर्वप्रथम हम लोग बीजों का चुनाव करते हैं, जो भी फसल हम लगाना चाहते हैं इस समय रबी सीजन में लगाने के लिए। मुख्य जो फसलें हैं प्याज, लहसुन, बैंगन, टमाटर या पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक, इन सब का हम लोग इनके बारे में सोच सकते हैं। मैं सर्वप्रथम प्याज के बारे में बताऊंगा। प्याज का समय हमारा लगभग आने वाला है, हम 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के नियर अबाउट हम लोग नर्सरी की शुरुआत कर देते हैं। किसानों को एक चीज़ विशेष ध्यान रखना है कि कुछ लोग हरी सब्जियों में जो प्याज निकालना चाहते हैं वो थोड़ा अगेती लगा सकते हैं, लेकिन वो किसान भाई जो कि प्याज निकाल के जिनको स्टोर करना है और उसको आप मई जून तक जो हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं वो थोड़ा सा लेट अपने बीजों का बुआई नर्सरी में करें। नर्सरी की तैयारी के लिए उठी हुई क्यारियों में बीजों को लाइन से स्विंग करना है। उपयुक्त किस्मों का चुनाव करें। उपयुक्त किस्मों के बारे में इसलिए बताना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जिनकी उत्पादन क्षमता बहुत अच्छी है, उनको स्टोरेज करेंगे तो स्टोरेज के लिए बहुत अच्छी है। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान नई दिल्ली द्वारा विकसित कुछ एक प्रजातियाँ हैं, जैसे एग्रीफाउंड लाइटेड, NHRDF रेड 2, NHRDF रेड 3 और NHRDF रेड 4। पूसा अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित पूसा रेड वैरायटी है। ये इन वैरायटियों का आप चयन कर सकते हैं और किसान इनसे भरपूर उत्पादन पा सकते हैं। लहसुन के बारे में बताना चाहूँगा, बीजों का चुनाव करते समय भी विशेष ध्यान रखना है कि कुछ किसान भाई हमारी मोटी कली वाली एरिया स्पेसिफिक हम पसंद करते हैं कि कुछ मोटी कली वाली वैरायटी पसंद करते हैं, कुछ लोग पतली कलियों वाली वैरायटी पसंद करते हैं, तो वैरायटी के चुनाव के समय ध्यान दें। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान द्वारा विकसित लहसुन की भी बहुत सारी प्रजातियाँ हैं। यमुना सफ़ेद 2 है, यमुना सफ़ेद 3, यमुना सफ़ेद 4,
अभी कुछ हमारी नई प्रजातियां भी आई हैं, यमुना पर्पल 10 करके है, जो कि हल्का गुलाबी रंग में होती है। तो इस तरह से एरिया स्पेसिफिक ध्यान देते हुए हम वैरायटियों का चुनाव करें और उसके बाद हम उसकी बिजाई का तैयारी करते हैं। बिजाई में एक चीज़ विशेष ध्यान रखना है कि बीजों को ट्राइकोडर्मा बिरिडी से अगर उसका उपचार कर देते हैं तो खेत में लगने वाले फफूंदों के से उसका उपचार बचाव हो सकता है। इसी समय अगर हम बीज की खेती करना चाहते हैं तो प्याज और लहसुन में दोनों की बीज के खेती की भी बारे में सोचा जा सकता है। अच्छी गुणवत्ता के प्याज में कंदों का चुनाव किया जा सकता है। किसान भाई ये अच्छी तरह जानते हैं कि बीज एक ऐसी चीज़ है जो कि फसल की पूरी गुणवत्ता, पूरे सफलता, हर चीज़ का एक पैमाना होता है। इसलिए हम जब भी प्याज के बीज की तैयारी करें तो ये प्लांटिंग मटेरियल जो भी हम चुनाव करें वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। आइसोलेशन डिस्टेंस का ध्यान दें, फसल पक जाए, पकने के बाद उसकी कटाई, मड़ाई, उपरांत प्रबंधन, ये सारी चीज़ों पर बहुत ही ध्यान देना चाहिए। अगर हम खुद बीज उत्पादन नहीं करते हैं तो मैं किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूँगा कि वो बीज जब भी परचेज करते हैं तो किसी न किसी उत्कृष्ट संस्थान से या अच्छे रिसर्च स्टेशन से ही बीज लें। बीज हमेशा पैक होना चाहिए, खुला बीज कभी उनको नहीं लेना चाहिए, बीज उपचारित होना चाहिए और उसके साथ जो भी जहाँ से बीज जिस संस्था से परचेज कर रहे हैं उसका बिल लेना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसे समय में भी देखा जा रहा है कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे भी लोग आ गए हैं जो कि गलत बीज किसानों को दे दे रहे हैं और हमारे किसान भाई जो कि पूरी की पूरी निर्भरता होती है फसल की बीज, उससे ही प्रभावित हो जा रहे हैं। उसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि और भी हमारी फसलें हैं, जैसे सरसों है, सरसों में भी जैसे मैंने डॉक्टर साहब ने बताया पूसा साग वैरायटी है, पालक में है, पालक का भी हम लोग कर सकते हैं, टमाटर, बैंगन, ये सारी फसलों का इसी समय हमारा बुआई का समय है। काउपी, हमारे कुछ क्षेत्रों में काउपी भी लगाई जा रही है जो बीजोत्पादन के लिए किसान भाई लगाना चाह रहे हैं। आलू हमारी प्रमुख फसल है, उसकी भी बिजाई का समय हमारा लगभग आने वाला है, 15 अक्टूबर से हमारी प्लांटिंग चालू हो जाएगी। इसमें उपयुक्त किस्मों का चुनाव करें जो भी अच्छे स्रोत हों, चाहे CPR केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान हो, राष्ट्रीय बीज निगम है, राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान है, इन उत्कृष्ट संस्थानों से अच्छी गुणवत्ता का बीज लें और किसान भाई बुआई करें, जिससे उनकी पूरी फसल का जो उत्पादन है वो सारी चीज़ें उसी पर डिपेंड करती हैं और हमारे किसान भाई अच्छे से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी आपने जान लिया हमारे खेती किसानी सेगमेंट में कि रबी के मौसम में किस तरह के प्रबंधन कार्य आपको करने हैं जब आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गाँव किसान। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। ब्रेक के बाद गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं गौ पालन के बारे में। गौ पालन से आप पहले से जुड़े हुए हैं या फिर इससे जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जरूरी है पता हो आहार प्रबंधन आपको किस तरह से करना है, आवास की व्यवस्था किस प्रकार से करनी है और स्वास्थ्य की रक्षा किस तरह से करनी है ताकि हमारी जो गाय है उसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता बेहतर बनी रहे।
आइए इन तमाम जानकारियों के बारे में जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। दुधारू पशुओं से बेहतर उत्पादन लेने और इनका स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए संतुलित आहार बेहद जरूरी है। संतुलित आहार उस भोजन सामग्री को कहते हैं जो किसी पशु की 24 घंटे की जरूरतों की पूर्ति करता है। संतुलित आहार में कार्बन, वसा और प्रोटीन जैसे तत्व मौजूद होते हैं। दुधारू पशु का आहार मौसम, उसके वजन और शारीरिक क्षमता के हिसाब से दिया जाता है। सूखा व हरा चारा मिलाकर नियमित रूप से देना चाहिए। इसके साथ ही बाटा बनाने के लिए 1 किलो गेहूं का चापड़, 1 किलो मूंग या चना की चूरी, 1 किलो सरसों की खल, 1 किलो तिल की खल, 1 किलो मूंगफली की खल, 1 किलो मक्का का दलिया मिलाकर बनाना चाहिए। इसके अलावा प्रति 2 लीटर दूध पर 1 किलोग्राम बाटा देना चाहिए। बाटा देने के तरीके में भी सावधानी रखें। इसके लिए पशु का दूध निकालने से पहले बाटे को करीब आधा घंटा पहले पानी में भिगो दें और इसमें 50 ग्राम साधारण नमक, 35 ग्राम एग्रीमेंट पाउडर मिलाएं और पशु को दें। गाभिन गायों को अंतिम 2 माह में अतिरिक्त आहार की जरूरत होती है। बछड़े या बछड़ियों के लिए आहार का अलग अनुपात होता है। इनके लिए 1 किलो से 2.5 किलो तक दाना प्रतिदिन उनकी उम्र या वजन के हिसाब से दिया जाना चाहिए। वहीं खेतों में काम करने वाले बैलों के लिए 2 से 2.5 किलो दाना प्रतिदिन दिया जाना चाहिए। पशुपालन करते समय पशुओं के लिए आवास पर भी विशेष ध्यान रखना होता है। गौशाला का स्थान समतल व बाकी जगह से कुछ ऊंचा होना चाहिए, जिससे बारिश के दिनों में पानी, मलमूत्र व नालियों का पानी आसानी से बाहर निकल सके। आवास में सूर्य के प्रकाश का होना भी बेहद जरूरी है। धूप कम से कम 3 ओर से लगनी चाहिए। गौशाला की लंबाई उत्तर दक्षिण दिशा में होने से पूर्व व पश्चिम से सूर्य की रोशनी खिड़कियों व दरवाजों से आसानी से अंदर आ सकती है। गौशाला साफ सुथरे वातावरण में बनानी चाहिए। प्रदूषित वातावरण पशुओं के स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालता है, जिससे दुग्ध उत्पादन में कमी हो सकती है। साथ ही जंगली जानवरों से भी पशुओं की रक्षा हो सकती है। वहीं आवास संरचना की बात करें तो पशुपालक अपनी सुविधा के हिसाब से गौशाला बनाते हैं, जिनमें पहला है बंद आवास। इस विधि में पशुओं को बांध कर रखा जाता है और उसे उसी स्थान पर आहार दिया जाता है। साथ ही पशु का दूध भी उसी स्थान पर निकाला जाता है और कुछ समय के लिए पशु को बाहर चरने के लिए भेजा जाता है। ऐसे आवास में कम स्थान की जरूरत होती है, साथ ही कम खर्चीला भी होता है। वहीं दूसरे प्रकार का आवास खुला आवास कहलाता है। इसमें पशुओं को 4 दीवारों के अंदर खुला छोड़ दिया जाता है व उनके खाने व पीने की व्यवस्था उसी में की जाती है। इस आवास को बनाने का खर्च भी कम होता है। इसमें पशुओं को बैठने और घूमने की पर्याप्त जगह होती है, लेकिन इस तरह के आवास में पशु एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं, जिससे नुकसान हो सकता है। इन दोनों तरह के आवास की अपेक्षा डेयरी व्यवसायी तीसरे तरह के आवास बनाने में ज्यादा रुचि रखते हैं, जिसमें हर पशु पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हर पशु के भोजन पानी की व्यवस्था अलग होती है। इसके अलावा दूध निकालने का काम अलग स्थान पर किया जाता है। ऐसे आवास पर मौसम में पशु की रक्षा करने में सक्षम होते हैं। साथ ही पशु की निगरानी करना भी बेहद आसान हो जाता है। कुछ डेयरी संचालक पशु आवास में मौसम अनुसार कूलर, हीटर की व्यवस्था भी करते हैं। हालांकि इस तरह के आवास महंगे होते हैं, लेकिन ये पशु और पशुपालक दोनों के लिए अच्छे साबित होते हैं। किसान भाइयों बहनों, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब हमारा पशुधन सेगमेंट में आपको दिखा देते हैं क्या कहता है हमारा इस माह का पशुपालक कैलेंडर। पशुपालक कैलेंडर अक्टूबर माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है, अतः पशुओं को सर्दी से बचाव का उचित प्रबंध करें। मुहपका, खुरपका रोग, गला घोटू रोग या फड़किया रोग के टीके यदि अभी भी नहीं लगवाए हों, तो कृपया समय रहते टीके लगवा लें। अधिक चारा लेने के लिए बरसीम फसल की उन्नत किस्मों की बिजाई इस माह अवश्य कर लें। भेड़ के शरीर को ऊन कतरने के 21 दिन बाद बाहरी परिजीवी से बचाने के लिए कीटाणुनाशक घोल से भिगोएं। परजीवी और कृमि नाशक दवा देने का उपयुक्त समय है।
इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। पचास साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ, खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद गांव किसान कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कामयाब किसान से मुलाकात करने का। जी हां, आज के जो हमारे कामयाब किसान हैं वो हैं हरिशंकर सिंह जी, जिन्होंने जैविक खेती की एक छोटे स्तर पर शुरुआत की और जैसे जैसे उन्हें मुनाफा मिलने लगा वो इसका स्तर बढ़ाते चले गए और साथ ही साथ अपने अन्य किसानों को भी जागरूक करते रहे। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। जैविक खेती भविष्य की अवधारणा है। जलवायु परिवर्तन और मिट्टी की कम होती उर्वरा शक्ति को बचाने के लिए जैविक खेती ही एकमात्र विकल्प है, जिससे बिगड़ते हालात को संभाला जा सकता है। यही वजह है कि किसान वापस उसी राह पर चल रहे हैं जो प्रकृति, पर्यावरण और जीवों के लिए सुरक्षित है। ऐसे ही एक किसान है हरिशंकर सिंह, जिन्होंने अपने साथ और भी किसानों को जैविक खेती का मंत्र दिया। वाराणसी का एक गांव जहां जैविक खेती अपनाने का संदेश लाउडस्पीकर के माध्यम से हवा पर तैरता है, साइकिल पर सवार ये किसान हैं पिंडरा ब्लॉक के रहने वाले हरिशंकर सिंह जी, जो जैविक खेती और मौसम की जानकारी किसानों तक पहुँचाते हैं। पहले हरिशंकर जी आधे एकड़ खेत में जैविक खेती किया करते थे, जिससे उन्हें भरपूर पैदावार मिली, जिससे प्रभावित होकर हरिशंकर जी ने अपनी 12 एकड़ की जमीन पर जैविक खेती की। इस उपलब्धता को उन्होंने बाकी किसानों से भी साझा किया और उन्हें भी जैविक खेती के लिए प्रेरित किया। इस तरह जैविक रूप से तैयार की गई फसलों और उत्पाद को हरिशंकर जी ने ऊंचे दामों पर बेचा। उपभोक्ता भी इनके उत्पाद लेकर काफी खुश हैं, क्योंकि लोग अब बेहतर स्वास्थ्य के लिए जैविक उत्पादों को ही पसंद कर रहे हैं। मुंबई से 30 साल पहले आए हरिशंकर जी ने सबसे पहले मिट्टी का स्वास्थ्य जांचा और पाया कि खेती के पहले मिट्टी का स्वास्थ्य संभालना होगा, जो जैविक खादों से ही संभव था। इसके बाद उन्होंने अपने खेतों में गेहूं, सरसों, चना, अलसी और अरहर जैसी फसलों की उन्नत पैदावार ली है। इसके पीछे इनका खुद का बनाया जीवामृत है, जो गाय के गोबर और गौमूत्र से बनाया जाता है। वो जीवामृत बुआई और सिंचाई के समय देते हैं, बीजामृत से बीज उपचार करते हैं, जबकि कीटों के नियंत्रण के लिए लहसुन, नीम की पत्तियों, अदरक और मिर्च से बने घोल से कीटनाशक बनाते हैं, जिसका इस्तेमाल कीटों की रोकथाम करने के लिए करते हैं। मुंबई से 30 साल पहले जब मैं आया, तो उसके बाद जब मैं खेती से जुड़ा तो मैंने ये पाया कि जब मिट्टी का स्वास्थ्य ही नहीं ठीक होगा, जो कि हम जीवांश कार्बन प्रतिशत से ये देख पाते हैं कि पूरे पूर्वांचल का 0.2-0.3 पर ही आके रुक जा रहा है, जबकि इसको 1 दशमलव तक जाना चाहिए, 0.98 तक होना चाहिए। तो मैंने जब इसको अपनाया तो मिट्टी का मेरा जो स्वास्थ्य था, आज मैं अगर मृदा जांच करवाता हूँ तो उसमें 0.7-0.8 ये जैविक कार्बन प्रतिशत आता है, तो मिट्टी का स्वास्थ्य तो बढ़ा है ही,
और मानव स्वास्थ्य के लिए भी ये काफी उपयोगी है। हरिशंकर जी जल प्रबंधन के लिए भी बेहतर कदम उठा रहे हैं। उन्होंने अपने घर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाया है। इसके साथ ही फसलों की सिंचाई के लिए ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें पानी की बचत हो सके। खेती के साथ पशुपालन को वो उम्दा विकल्प मानते हैं। वो मानते हैं कि 10 एकड़ खेत के लिए एक गाय काफी है। गाय के गोबर से बायोगैस प्लांट से खाद मिलती है जो जैविक खेती के लिए बेहद जरूरी है। हरिशंकर जी नई जानकारियों के लिए खेती से जुड़ी किताबों का अध्ययन भी करते हैं। इसके लिए उन्होंने बकायदा एक लाइब्रेरी बनाई है। इन नवीन जानकारियों को वो लाउडस्पीकर से किसानों तक पहुंचाते हैं। इतना ही नहीं, साइकिल में सवार होकर गांव के कोने कोने में जाकर लोगों को जागरूक करते हैं। इसलिए वो गांव में आदर्श किसान माने जाते हैं। उनके इस काम के लिए उन्हें कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। 200 लीटर जीवामृत हम प्रति एकड़ बड़े आराम से इसको बुआई के समय और हर सिंचाई के समय हम इसको उपयोग में लेके आ सकते हैं। बीजामृत जो बनता है उससे हम बीज शोधन कर लेते हैं, और जो हम नीम की पत्तियां, लहसुन, अदरक और मिर्च वगैरह का जो घोल है उससे हम कीटनाशक बनाकर हम कीटों का नियंत्रण भी काफ़ी अच्छी तरीके से कर पाते हैं। जल संरक्षण के लिए तो मतलब हम लोगों ने जैसे यहाँ पे जो मैंने अपने घर पे भी वाटर वर्षा जल संरक्षण के लिए पाइपलाइन लगाया हुआ है जो कि सीधे जा रहा है पानी कुएं में नीचे गिरने के बजाय, और खेत में भी हमने मेड़बंदी करवाया ताकि खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में रहे। सिंचाई के लिए भी हमने स्प्रिंकलर का उपयोग किया है और प्राकृतिक खेती को अपनाया है ताकि पानी कम लगे और मिट्टी में जल असर बढ़ता रहे। 15-20 साल से हरिशंकर सिंह जी को देख रहा हूँ, और उनके साथ जो भी छोटे मोटे शिविर, किसान गोष्ठी या तो जो भी रहता है जाता हूँ, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपना किसान रथ भी लिए है और जाके हम लोगों को गांव-गांव में अपने साइकिल द्वारा घूम के बताते भी हैं कि आज किस जगह किसान संगोष्ठी है और कौन कौन से बीज गेहूं के बोने चाहिए, और जैविक खेती के बारे में हम लोगों को बताते हैं। हरिशंकर जी खेती के प्रति हम लोगों को देसी गाय पालने के लिए कहते हैं, और उसके मल मूत्र से जैविक खाद तैयार करने के लिए बताते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, ये थे हमारे आज के सफल किसान। हम उम्मीद करते हैं इनकी कहानी को जानकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित होंगे और ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती को अपनाएंगे। तो किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ आज के हमारे इस अंक में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज के हमारे इस अंक में हमने जो भी जानकारी आप तक पहुंचाई हैं उससे आप जरूर लाभान्वित होंगे। अगले अंक में आपसे करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।